अरे माया, तू कब आई? तेरा काम खत्म हो गया? हाँ दीदी। तो तूने आज नाश्ता हो गया तेरा? नहीं, मैं घर पे जाके कर रही हूँ। अरे घर पे क्यों कर लेगी? चल मैं तुझे एक पराठा बनाती हूँ बढ़िया वाला, ऐसे घर नहीं जाना बिना खाए। आ तुझे एक पराठा बनाऊंगी। चलो वो काट दो, दूसरा शुरू कर लो फिर से। आज मैं माया के लिए चौकोर पराठा बनाऊंगी। आइए देखते हैं पराठा कैसे बनता है। चौकोर पराठे पे रखो इधर ही। इस तरह से हम गोल पराठा बेल लेंगे और इस पे लगाएंगे तेल। आज बन रहा स्पेशल माया का पराठा। इस तरह से हम आधी फोल्ड करेंगे, आधी फोल्ड ऐसे करेंगे, इधर से थोड़े से कोने दबा के ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से कोने दबा के ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसको हम चौकोर पराठा बनाते हैं। आज माया ने नाश्ता नहीं किया तो माया के लिए फटाफट बना देती हूँ चौकोर पराठा। मासूम दिल है मेरा, इसे तोड़ दिया जाए। ये बन गया चौकोर पराठा। इसे घी लगाने के लिए मुझे जरूरत होगी कड़छी की। ये बन गया पराठा। ये बनेगा खस्ता पराठा, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा क्रिस्पी, बढ़िया पराठा सेक के बना के। और आज माया खाएगी ये वाला पराठा। वैसे भी माया नाश्ता बहुत कम करती है। नाश्ता कर ले माया, नाश्ता कर ले। हम लोग यही कहते हैं, नहीं दीदी नहीं दीदी। ये बन रहा है माया का गुलाबी पराठा। और मैं इसके लिए लगा देती हूँ एक प्लेट। मेरी कटहल की सब्जी बन गई थी और इसको थोड़ा सा मैं कटहल और पराठा ये बन गया माया का पराठा कटहल के साथ। अब माया कहेगी इसे तोड़ूं कैसे, तो माया को मैं ये पराठा तोड़ के दूंगी। पराठा गरम है, ये जल्दी खाएगी, जल्दी से घर भी जाना है, तो मैं इसके पराठे को कट लगा देती हूँ और ये कट के साथ में ही पराठा टूट भी जाएगा। लो माया पराठा, लो ये पराठा माया का चौकोर पराठा बना।